एक और झटके के लिए रहे तैयार। एयरटेल ने कहा इस साल भी बढ़ाएंगे प्लान की कीमतें, शुरुआत करने में हिचकिचाएंगे नहीं। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल लगभग सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया था, जिसकी वजह से यूजर्स काफी निराश हुए थे। अभी यूजर्स पुराने प्राइस हाइक से नाराज हैं और ऐसे में उन्हें एक बार फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल फिर से अपने मोबाइल टैरिफ की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने कहा कि कंपनी अपने एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर को 300 रुपए तक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे इस कैलेंडर साल में पूरा किया जा सकता है। कंपनी पिछले साल की तरह इस बार भी मोबाइल टैरिफ की दरें बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेगी, यानी एक बार फिर से एयरटेल के प्रीपेड प्लान महंगे होने वाले हैं, जिसे जानकर यूजर्स को झटका लगेगा। इसके अलावा गोपाल विट्ठल ने यह भी कहा कि सिम कंसोलिडेशन की लहर के जाने के बाद ही कंपनी टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाएगी। सिम कंसोलिडेशन फिलहाल 20-25% तक पूरा हो चुका है। पिछले साल कंपनी ने नवम्बर में अपने सभी प्रीपेड प्लान को महंगा कर दिया था, जिसके बाद 2 या 2 से अधिक नंबर रखने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी देखने को मिली थी। गोपाल विट्ठल का कहना है कि इस समय फ्लैट डेटा यूजर्स पर सब्सक्राइबर 17 GB से 18 GB प्रति महीने से ज्यादा नहीं है। कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकतर ऑफिस में अभी वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन महामारी की लहर कम होने के बाद जल्द ही स्कूल कॉलेज व ऑफिस खुलने वाले हैं, जिसके बाद डेटा यूजर्स में और भी कमी देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से डेटा कंजप्शन में इजाफा देखा गया था और फिलहाल यूजर्स दिन में 4 घंटे से अधिक समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? क्या एयरटेल को इस साल टैरिफ हाइक करनी चाहिए या नहीं, या अगली साल तक इंतजार करना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।